गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस। ईवीएस में लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोहन द पोटेल हमने पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर और उसके राइट एंड रॉन्ग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 पेज नंबर 20 पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन 3 राइट एंड रॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। तो राइट एंड रॉन्ग आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। मोहन लाइव्स इन द सिटी, मोहन सिटी में रहता था तो नहीं, तो इसमें आएगा रॉन्ग। तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हो, मोहन लाइव्स इन द सिटी, तो आंसर आएगा रॉन्ग। मोहन मेक्स पोर्ट लैंप जग्स एंड क्ले कप्स, मोहन ये सब चीजें बनाता था तो यस, मोहन पोर्ट्स बनाता था, लैंप्स बनाता था, जग्स बनाता था और कप्स भी बनाता था। तो क्या आएगा राइट आंसर में, क्या आएगा राइट। तो आप भी मेरे साथ राइट कर सकते हो। मोहन हैज टू ब्लू कैट कार, क्या है मोहन के पास दो बैलगाड़ी थी तो नहीं, क्या थी वन, तो इसमें आंसर आएगा रॉन्ग। तो आप भी मेरे साथ कर सकते हो, मोहन हैज टू ब्लू कैट कार्स तो रॉन्ग, क्या आंसर आएगा रॉन्ग। फॉर मैंने क्ले पोर्ट्स की द वाटर कूल, इसमें ठंडा ठंडा कुलकुल पानी रहता है जो मोहन बर्तन बनाता था उसमें, तो यस, तो इसमें आएगा राइट। क्या आता है राइट। लास्ट वाला है मोहन सेल्स द थिंग ही मेक्स, तो यस, मोहन एक सेल्समैन था। तो पहले में क्या आएगा मोहन लाइव्स इन अ सिटी, तो उसमें आएगा रॉन्ग। दूसरा है मोहन मेक्स पोर्ट्स लैंप जग्स एंड क्ले कप्स, तो मोहन ये सब चीजें बनाता था, उसमें आएगा राइट। मोहन हैज टू ब्लू कैट कार, उसमें आएगा रॉन्ग, क्या आता है रॉन्ग। क्ले पोर्ट्स की द वाटर कूल, उसमें ठंडा ठंडा कुलकुल पानी भी रहता था, तो क्या आएगा राइट। तो आप राइट का निशान कर सकते हो। मोहन सेल्स द थिंग्स ही मेक्स, तो उसमें आएगा राइट। तो यहाँ पर आपने किए हैं। अब हम देखेंगे 21 पेज नंबर 21 क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स। आप यहाँ पर देख सकते हो जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप भी टेक्स्ट बुक खुली रख के मेरे साथ कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं ऑफकोर्स। तो पहला है वेल का, आपको जो पेड़ जैसा दिख रहा है ना वेल, हाँ, तो उस पर क्या है, पहले एक है और नीचे थ्री है, तो यहाँ पर क्या है एक और थ्री, थ्री मतलब बहुवचन हो जाता है, तो उसमें क्या करना है हमें लिखना है। तो दिस इज, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में वेल, तो उसमें क्या लगता है वेल, तो दिस इज अ वेल। नीचे क्या है देयर आर मेल्स, क्या एक दो तीन, तो तीन तो बहुवचन हो गया ना, तो क्या होता है देयर, दीज आर वेल्स, उसके पीछे एस लगता है। दूसरा है चेयर, क्या है चेयर, तो उसमें पहला है दिस इज अ चेयर, नीचे क्या आएगा दीज आर चेयर्स, क्योंकि बहुत सारे चेयर्स है तो हमें क्या लगाते हैं एस पीछे लगाते हैं बहुवचन, बहुवचन के पीछे। तीसरा है दिस इज अ टेबल, तो ये एक टेबल है, और जब बहुत ज्यादा टेबल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है दिस आर टेबल्स, क्या इसके बदले आर लग जाता है। दिस इज अ पोर्ट, एक पोर्ट होता तो क्या हम बोलते हैं दिस इज अ पोर्ट, ये पोर्ट है, मगर दिस आर पोर्ट्स, बहुत ज्यादा पोर्ट्स होते हैं तो क्या होता है दिस आर पोर्ट्स, क्या बोलते हैं हम दिस आर पोर्ट्स। नीचे है दिस इज अ पेन, एक पेन होती तो हम क्या बोलते हैं दिस इज अ पेन, ये पेन है, मगर बहुत ज्यादा और तीन चार पेन हो जाती तो क्या बोलते हैं दिस आर पेन्स, क्या बोलते हैं दिस आर पेन्स, तो उसके पीछे भी एस लगाते हैं बीच में आर आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुवचन होता है तो बीच में आर होता है और पीछे एस लगाते हैं, और जो एक वस्तु होती है दिस इज अ चेयर, तो दिस इज एक चेयर होती तो हम क्या बोलते हैं दिस इज अ चेयर, ये चेयर है, मगर बहुत सारी हो जाती तो दिस आर चेयर्स, ऐसे हम लगाते हैं। तो आप भी रीड कर सकते हो घर पे। थैंक यू।